गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको गुड हैबिट्स के फिलिंग द ब्लैंक्स कराने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग दे रखी है, इसे आपको कंप्लीट करनी है। जैसे यहाँ दिया है बी, यहाँ पर डैश यू डैश एन जी एस। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों को करना है ब्रसेस, जी आर यू एस एच ई एस ब्रश। फिर है टी, टी प्राण जीवन, फिर है मृत्यु, इसका होगा देहांत और स्वर्गवास, फिर है स्त्री, स्त्री के नारी और औरत, फिर है अगला निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द लिखिए। सबसे पहले है जो कभी ना मरता हो, इसका है अमर, फिर दूसरा है जो कभी ना टल सके अटल, किसी प्रिय की मृत्यु के कारण होने वाला दुख शोक, किसी का दुख देखकर मन में उभरने वाली दया करुणा, जो व्यक्ति उपदेश देता है उपदेशक। डेली रूटीन के विषय में पूछा है आई गेट अप एट, हम कितने बजे सोकर के उठते हैं, तो 5 o'clock सी एल ओ सी के, हम सुबह कितने बजे उठते हैं 5 बजे। आई गो टू स्कूल 8, हम लोग स्कूल कितने बजे आते हैं, तो 7 o'clock सी एल ओ सी के क्लॉक। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है डज आमिर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आमिर सुबह को जल्दी उठता है ना, तो यस आमिर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ, आमिर सुबह जल्दी उठता था। फिर सेकंड क्वेश्चन है डज आमिर लर्न ऑल हिज लेसन, यानी कि क्या आमिर अपने सारे पाठ रोज पूरे पाठ याद कर लेता था, तो आ जाएगा यस आमिर लर्न ऑल हिज लेसन। हाँ, आमिर अपने सारे पाठ याद करता है। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज आपको स्वच्छता ज्ञान के रिक्त स्थान करा